नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपा। स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है मेरी माँ की रेसिपी। और आज हम बनाने वाले हैं स्वादिष्ट बेसन के पकोड़े वाली कढ़ी जो आप वीडियो में देख रहे हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक कटोरी फूला हुआ चना दाल, एक कटोरी बेसन, हल्दी, लाल मिर्चा, लहसुन और नमक। ये सब थोड़ा ज़्यादा लेंगे, हाफ हाफ करना है इन दोनों को। और फ़ौरन के लिए करी पत्ता, लाल मिर्चा, जीरा और जो लहसुन यूज नहीं करते वो हींग फ़ौरन में यूज करें, पानी और तेल। तो सबसे पहले हम लहसुन को जार में डाल के पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए हमारा बन गया है, इसे एक बाउल पे उतार लेंगे। इसके बाद वही जार में हम चना दाल को डाल के इसका ही दरदरा पेस्ट बनाएंगे। इस टाइप से देखिए, पूरा महीन पेस्ट नहीं करना है। इसे भी एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद हम इधर तेल डाल देते कढ़ाई पे। हमारा तेल गरम हो रहा है और बाउल में हम आधा चना दाल का पेस्ट लेंगे, आधा लहसुन और थोड़ा सा स्वाद अनुसार लाल मिर्च, थोड़ा सा हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इसे हम पकोड़ा बनाएंगे, इसे फेंट लेंगे। जितना आप चाहते हैं उतना बेसन दीजिए ताकि जितना आपको पकोड़ा चाहिए उतना बन जाए। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा एक चम्मच दही डाल देंगे ऊपर से। उसके बाद से फेंट के हम, हमारा कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, इसमें हम पकोड़ा बना लेंगे। ये देखिए इसे लाल करना है दोनों तरफ से, अलग पलट के। ज़्यादा तेज आँच नहीं रहेगा, मीडियम आँच में करना है इसको। हमारा ये तैयार हो गया है और इसे गरम गरम ही गरम नॉर्मल पानी में डालेंगे और जिससे ये हमारा सॉफ्ट बनेगा गरम। देखिए ऐसा ही बन जाता है, जूसी पूरा रहता है। और सेम बर्तन में हम दही डालेंगे, जितना आपको खट्टा चाहिए उतना, हमने आधा लिया है। और थोड़ा सा बेसन, चना दाल जो बचा के रखे थे वो चना दाल भी हमने डाल दिया इस पे। उसके बाद हम मिर्च लेंगे, मिर्च हम थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि बच्चा लोग कड़ी तीखा पसंद नहीं करता, इसलिए हम थोड़ा सा लिए हैं। उसके बाद लहसुन, थोड़ा सा हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। इसे हम फेंट लेंगे अच्छा से। देखिए हमने फेंट लिया है पूरा, जितना पतला कर सकते हैं इसे आप, क्योंकि पतला ही कढ़ी अच्छा लगता है खाने में। इधर हमारा कढ़ाई में तेल भी गर्म हो गया, हमने सेम तेल लिया है, वही पकौड़ी का छना वही तेल है। इसमें हम जीरा, लाल मिर्च और करी पत्ता का फोरन देंगे। और घोल को भी डाल के चलाते रहना है। चलाने से हमारा कढ़ी फटेगा नहीं। आंच तेज कर देंगे, तेज आंच पे पकाना है इसे। ये देखिए हम उबाल आना शुरू हो गया है। इसके बाद हम भींगा पकोड़ा जो था वो सारा डाल के चलाएंगे। ये हमारा कढ़ी बन गया। तो आज का टिप्स में हम आज नेल को मजबूत करने के बारे में बताएंगे। बहुत जनों का कहना है कि नेल बढ़ाते हैं टूट जाते हैं, अगर आप ये ट्रिक अपनाइएगा तो आपके नेल कभी नहीं टूटेंगे। तो हमने लिया है एक कटोरा में हल्का गर्म पानी है और कुछ गुलाब के पत्तियां डाले हैं, लेकिन हमने गुलाब फूल डाला है क्योंकि वही था छत पे। उसके बाद इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे और तीन चार बूंद नींबू। ये देखिए 1 2 3 4 बस इतना ही डालना है। इसके बाद हम 10 मिनट तक अपने नेल को डुबो के रखेंगे।
इससे नेल मजबूत हो जाते हैं। आप ये पाँव में भी कर सकते हैं, पाँव के नेल बढ़ाते हैं तो पाँव भी डुबा के रखिएगा तो पाँव के नेल भी मजबूत हो जाएंगे और हथेलियाँ भी सॉफ्ट हो जाएंगी। ये बहुत ही अच्छा है ट्रिक है, आप इसे कीजिएगा, आपके नेल मजबूत रहेंगे हमेशा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आइकन बेल को दबा दें।